Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 9th class, hope so you all will be fine and are enjoying sound health. Our today's message is झूठ नहीं बोलना. Students, आज का हमारा पैगाम है झूठ नहीं बोलना. Class 9th, subject English, unit 1 and unit title is The Savior of Mankind and our topic is translation. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने अपना यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट किया है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. इसमें जो है वो हम इसके वर्ड्स मीनिंग भी पढ़ चुके हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स की हमने ट्रांसलेशन की थी. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को निजात दिलाने वाले. इंसानियत को निजात दिलाने वाले कौन हैं? हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो स्टूडेंट्स, हमने इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स की अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशन को पढ़ा था. उसमें हमने ये जाना कि अरब जो है वो किस तरह की सरजमीन है और अरब के जो लोग थे वो कैसे थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th पैराग्राफ. सो ओपन योर बुक्स, इट्स पेज नंबर इज 2. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, jab Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 38 saal ke the, he spent most of his time in solitude and meditation. Wo apna zyada waqt gaur o fikr aur tanhai mein guzarte the. Meditation mean muraqaba, yani ke gaur o fikr. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, jab Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 38 saal ke the, he spent most of his time in solitude and meditation. Wo apna zyada waqt tanhai aur gaur o fikr mein guzarte the. In the cave of Hira, gaare Hira mein, he used to retire with food and water. Wo खुराक और पानी के साथ गोशा नशीन हो जाते एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह ताला की याद में. रिमेम्बरेंस में, याद में अपने हफ्ते और दिनों को गुजारा करते थे. व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारा करते थे. इन द केव ऑफ हिरा, ही यूज़ टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी. गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी के साथ गोशा नशीन हो जाया करते और अपने हफ्ते और दिनों को अल्लाह ताला की याद में गुजारा करते थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द 5th पैराग्राफ. द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज. इंतज़ार का लम्हा, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था. हिज हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग. आपका दिल, यहाँ आप कौन हैं? आर बिलव्ड रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हिज हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग विद प्रोफाउंड कम्पैशन. प्रोफाउंड कम्पैशन, गहरी हमदर्दी, गहरी मोहब्बत. किसके लिए थी उनकी ये गहरी मोहब्बत? फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए. हिज हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग विद प्रोफाउंड कम्पैशन फॉर ह्यूमैनिटी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए, इंसानियत की गहरी मोहब्बत के लिए, गहरी हमदर्दी के लिए छलक रहा था. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी. टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, सोशल इवल्स, क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस, के वो गलत अकायद, मशरती बुराइयों, नाइंसाफ़ी और लड़ाई झगड़ा या जुल्म का खात्मा कर दे. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि आप मशरती बुराइयों, गलत अकायद, जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा कर दें, उन्हें जड़ से निकाल कर फेंक दें. The moment had arrived, वो लम्हा आ चुका था. When he was to be bestowed with नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था.
वो वक्त, वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जबरील केम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए एंड कन्वे टू हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का दर्ज ज़ैल पैगाम। वो पैगाम हम आगे जा रहे हैं पढ़ने। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, किसको पैदा किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून से, खून के एक लोथड़े से, जिसने इंसान को पैदा किया। रीड, पढ़िए, एंड दाय लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, और आपका जो खुदा है वो बड़ा रहीमो करीम है। रीड एंड दाय लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़िए, और आपका रब बहुत रहीमो करीम है। हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने इंसान को सिखाया कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन, इंसान को वो सिखाया, डेट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। अगेन इस वही को देखें, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़िए अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से, खून के एक लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़िए और तुम्हारा रब बहुत रहीम और करीम है। हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन डेट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द सिक्स पैराग्राफ, द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम रूबानी, खुदा का पैगाम जो है उसकी आमद। विच कॉन्टीन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, हैड बिगन, वो शुरू हो चुका था। पैगाम रूबानी की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। विच कॉन्टीन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था। The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun. पैगाम रूबानी की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, tuhid, and the unity of mankind. और नबी sallallahu alaihi wasallam tuhid, यानी कि अल्लाह की वहदानियत और इंसानों की, नस्ल इंसानी की वहदत के लिए, वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। प्रोक्लेम, दावा, बाज़ाब्ता ऐलान। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइज़न टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल इंसानी की वहदत और खुदा की वहदानियत के लिए उठ खड़े हुए। His mission was to destroy the nexus of superstitions, आपका जो मकसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद, टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था, द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन, ओहाम परस्ती के बंधनों को, इग्नोरेंस, जहालत को, एंड डिसबिलीफ, और बे यकीनी को। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ओहाम परस्ती, जहालत और बे यकीनी को, के बंधनों को तबाह व बर्बाद करना था। And set up a noble conception of life, और ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना था। His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद
जहालत अहम परस्ती और बेयकीनी के बंधनों को तबाह व बर्बाद करना था और ज़िंदगी का आला व अरफा जो है वो कंसेप्शन कायम करना था। कंसेप्शन मीन तसव्वुर, और ज़िंदगी का आला व अरफा तसव्वुर कायम करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जो है वो यूनिट वन की कुछ पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन। आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको ये जो लेसन है ये थोड़ा शॉर्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वर्डिंग जो है मे बी आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यू वर्ड्स आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। तो आपने ये जो मैंने 3 पैराग्राफ्स की आपको ट्रांसलेशन पढ़ाई है, पैराग्राफ 4, 5 एंड 6, मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर बैठ के अच्छी तरह से समझेंगे और लर्न करेंगे। और जब आप इसकी रीडिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इसे लाउड पढ़िएगा, फिर आप लोगों की रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।